हेलो दोस्तों, मैं विवेक और इन टेक इंडिया के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बिना नंबर को सेव किए व्हाट्सएप को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप में आप डॉक्यूमेंट, पीडीएफ या अन्य तरह की सारा चीजों को भेज सकते हैं। आपको नंबर सेव करने का कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप कोई नया नंबर को व्हाट्सएप करना चाहते हैं, लेकिन आप उस नंबर को सेव नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको आगे उस नंबर से कोई कांटेक्ट करने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप करने का फॉर्मूला बताता हूँ। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और जानते हैं सारा कुछ। सबसे पहले दोस्तों आपको कोई सा भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, तो मैं यहाँ एक क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया हूँ। उसके बाद आपको सर्च बार में जाकर के टाइप करना है https, उसके बाद कॉलन, उसके बाद डबल स्लैश, उसके बाद WA, फिर डॉट, फिर ME। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से एक स्लैश देना है। अगर आप इंडिया से हैं तो +91 जरूर आगे में लगा दें। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर को टाइप कर देना है। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों आपको सिंपली स्टार्ट पर या सर्च पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहां से सर्च पर क्लिक कर देता हूं। उसके बाद कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहां पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे जो ग्रीन कलर है, उसमें कंटिन्यू टू चैट, यानी कि आप इस नंबर से कंटिन्यू कर सकते हैं अपने चैट को। तो आपको सिंपली कंटिन्यू टू चैट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि मेरा जो मोबाइल नंबर है आपका चैट के लिए तैयार हो चुका है। आप यहां से किसी भी डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, या फिर आप यहां से चैट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों इस तरह से आप अपने व्हाट्सएप में बिना नंबर सेव किए हुए भी आप चैटिंग कर सकते हैं। सो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस इनटेक इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जब भी ऐसा वीडियो लाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करके ही जाएं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।